सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप एंड यू आर वाचिंग एनपी पियानो एंड टेक मिक्स ज्ञान चैनल। आज आपको जो बताने वाला हूँ, मीटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैंने एक मीटर की पहले ही वीडियो बना रखी है, आपने उस वीडियो पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। मैं आपको 100% ये श्योर तरीके से कह सकता हूँ कि अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली तो आपको कोई दूसरी वीडियो मीटर से रिलेटेड देखनी नहीं पड़ेगी। जो भी आपके डाउट्स हैं मीटर से रिलेटेड, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे दोनों वीडियोस में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वीडियो में जा सकते हैं। और ये वाले वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास कमेंट्स भी आ रही थी, कॉल्स भी आ रहे थे कि हमारे स्टेट की यूनिट कितनी है या हमारे यहाँ का टैरिफ रेट कितना लग रहा है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिट्स होती है और टैरिफ रेट होता है। कनेक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका डोमेस्टिक होता है, एक होता है आपका कमर्शियल। तो दोनों का जो टैरिफ रेट है वो अलग अलग होता है। अगर आप दोनों का, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, समथिंग 2 रुपये का डिफरेंस होता है। और जो कनेक्शन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लेते हैं तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो है किसी भी मीटर की रीडिंग कैसे आप खुद चेक कर सकते हैं, बड़ी आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ज़्यादातर वीडियो देखी यूट्यूब पे कि सभी को वेब को बनाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि 198 पे कॉल कीजिए और मीटर को रोकिए, मीटर की रीडिंग रोकिए, आपका बिल नहीं आएगा। ऐसा कैसा पॉसिबल है? आपको इतनी सारी बेवकूफ़ बनाने वाली वीडियो इंटरनेट पे यूट्यूब पे इतनी सारी मिल जाएगी, केवल व्यूज़ के चक्कर में वो आपको ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ पूरी अच्छी तरीके से जानकारी इंटरनेट से निकाल के, और मैं पावर हाउस भी जाता हूँ, वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके तब आपको ये सारी बातें बताता हूँ। आज इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ, मैं आपको तीन टॉपिक से क्लियर करने वाला हूँ। किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और जो टैरिफ रेट है, क्योंकि सभी स्टेट का अलग अलग रेट होता है, अलग अलग रेट होता है, टैरिफ रेट जो है वो उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल है, वहाँ पे सारी स्टेट्स की लिखी हुई है, उसमें डोमेस्टिक की भी लिखी हुई है और कॉमर्शियल की भी लिखी हुई है, दोनों की लिखी हुई है, ठीक है। तो उसमें जो है वो है मार्च 2019 के बाद की है, जो भी उसमें टैरिफ रेट है वो मार्च 2019 के बाद का है, तो जो अभी तक भी उसमें चल रहा है। पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि सभी स्टेट की जो यूनिट है वो कितनी है, वो देखने के लिए आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और मैं आपकी स्क्रीन पर भी, हो सकता है स्क्रीन पर भी शो कर दूँ कुछ स्टेट्स की, ठीक है। और आपको अगर किसी स्टेट की पता भी नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली जब आपका बिल आता है तो आप पावर हाउस पे जाकर भी पूछ सकते हैं कि भाई आप जो भी आपका कनेक्शन है, हो सकता है आपका डोमेस्टिक कनेक्शन हो, तो आपका कमर्शियल हो या दूसरे टाइप का कोई कनेक्शन हो, तो इसकी जानकारी आप अपने पावर हाउस पे जाकर भी ले सकते हैं और गूगल से भी जानकारी ले सकते हैं। और मैंने PDF भी डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, वहाँ पे आप PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आपको जो टैरिफ रेट है वो पता लग जाएगा, ठीक है। और वहाँ से भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आपका बिल आता है वो पूरी लिस्ट बन के आती है, जो स्लिप आती है, वो स्लिप देते हैं ना आपको, तो उसमें लिखा होता है आपका टैरिफ रेट कितना है, तो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा सिंपल तरीके से, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास इससे रिलेटेड कॉल भी आई है, SMS भी किए हैं, कहने का मतलब ये कि वो बोलते हैं कि उनका जो बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, हो सकता है ज़्यादा आ रहा हो, सकता है आपके मीटर में प्रॉब्लम हो। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके मीटर में प्रॉब्लम है या नहीं, हो सकता है आपके मीटर खराब हो या कुछ गड़बड़ आ गई हो उसमें, ठीक है, तो कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो मीटर की ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले वाला वीडियो बनाया उसमें भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपका मीटर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें एक रेड कलर की लाइट होती है जो ब्लिंक करती है बार बार। उसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जितने घर के आपका, जितना आपके घर का लोड होगा, मतलब जितना ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा वो उतनी बार जल्द जल्दी से ब्लिंक करेगी, यानी कि उतनी ही जल्द जल्दी वो ब्लिंक करेगी लाइट रेड वाली, ठीक है। और अगर आपके घर का लोड कम है तो उतनी ही देर से ब्लिंक करेगी, समथिंग 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, उससे भी कम है तो 20 सेकंड के बाद, ठीक है। और ज़्यादा भी आपका लोड है तो वो जल्द जल्दी ब्लिंक करेगी। ऐसा आपका कब होता है, अब कहते हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आता है, हो सकता है ज़्यादा आ रहा हो, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मीटर भी आपका ख़राब हो सकता है या, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो मीटर है वो 1 किलोवाट से ज़्यादा लोड, 1 किलोवाट का तो है लेकिन उस पर 1 किलोवाट से ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो उसमें शो करता है कि ओवर इसमें कितना जा रहा है, ठीक है। तो आपके घर का जो ओवरलोड है वो कितना जा रहा है, तो उस पर आपकी पेनल्टी लगती है, ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका जो रीडिंग है वो रीडिंग के अकॉर्डिंग भी लाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके घर का लोड ज़्यादा हो 1 किलोवाट से, और उसलिए पेनल्टी पड़ती है, आप पे पेनल्टी लगेगी। जो आपकी स्लिप आती है, स्लिप के अंदर आप देखिएगा उसमें पेनल्टी का चार्ज लिखा होता है, अगर आपके मीटर पे पेनल्टी पड़ी है तो बिल्कुल उसमें पेनल्टी लगेगी, उसमें पेनल्टी लिखी हुई भी आती है कितनी पेनल्टी लगी है। तो इसी वजह से आपका मीटर का बिल ज़्यादा आ सकता है, हो सकता है आपके घर का जो कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का है, ये तो आपको पता होगा 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिल आता है।
एक तो आपका मीटर का चार्ज टैरिफ जो चार्ज होता है वो तो डिफॉल्ट चार्ज होता है 1 किलोवाट का, हमारे यहाँ पे जो चार्ज है वो 150 रुपये है, यानी कि अगर हम ना भी यूज़ करें लाइट तो हमारा 1 किलोवाट का जो 150 रुपये चार्ज है वो डिफॉल्ट चार्ज है, वो तो जाना ही है, तो बिल के साथ वो भी जाता है जो डिफॉल्ट चार्जेस होते हैं। दूसरा कि मैंने आपको बताया कि रेड कलर की जो लाइट है वो ब्लिंक क्यों करती है, जितनी जल्दी ब्लिंक करेगी उसका मतलब आपके घर पर ज़्यादा लोड है, ठीक है। अगर आपका आपको चेक करना है कि हमारा मीटर ख़राब तो नहीं है तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली आपके घर की जो MCB होगी, जो आपका मेन बोर्ड है, मेन स्विच है, आप उसको पावर डाउन कर दें, ठीक है, उसकी पावर डाउन कर दें, या MCB होगी आपको बिल्कुल, इनकी सारी अपने घर की लाइट आप कट कर दें, तो आप मीटर के पास जाके खड़े हों, वहाँ पे देखें कम से कम 5 मिनट तक देखें उसको, अगर वो रेड कलर की जो लाइट होती है ब्लिंक अगर नहीं कर रही है इसका मतलब आपके घर का लोड कुछ नहीं है। अगर फिर भी सारे इंस्ट्रूमेंट बंद होने के बाद, यानी कि लाइट कट करने के बाद भी अगर उस मीटर में वो रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है, चाहे वो कितनी देर से हो रही है, ब्लिंक नहीं होनी चाहिए, अगर आपके घर की लाइट सारी कटी हुई है तो ब्लिंक ही नहीं करेगी, अगर आपके मीटर में प्रॉब्लम है वो लाइट बंद करने के बाद, यानी कि सारे घर की लाइट, तो इसका मतलब आपके मीटर में प्रॉब्लम है। तो मैं देखें आपको यहाँ पे लीगल प्रोसेस ही बताऊंगा, इलीगल प्रोसेस नहीं बताऊंगा, इलीगल प्रोसेस होते हैं आप कर सकते हैं मीटर में छेड़खानी, बट इलीगल प्रोसेस मैं आपको नहीं बताना, मैं लीगली प्रोसेस बताऊंगा। ये अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मीटर में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप अपने पावर हाउस जाइए, अपनी बिजली घर जाइए, वहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनसे संपर्क कीजिए, या आप इसकी ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, जिस शिकायत वाली वीडियो क्या आप कैसे कर सकते हैं, आप टोल फ्री नंबर भी होते हैं सभी के, आप गूगल पर सर्च करके निकाल सकते हैं, इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना के दिखा दूंगा कि आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने पावर हाउस जाइए, वहाँ से संपर्क कीजिए, वहाँ पे आपका जो बिल है वो आपको मीटर चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको जो भी करेक्शन होना उसमें कर देंगे। तो मैंने वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करें, अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं कमेंट में उसको बिल्कुल जल्द से जल्द आंसर दूंगा, ठीक है। तीन टॉपिक्स क्लियर कराए हैं, पहला कि आपके अपनी जो यूनिट है, यूनिट रेट, टैरिफ रेट वो कितना लग रहा है, वो कैसे चेक करेंगे, वो मैंने आपको PDF फाइल दे दी है, वहाँ से आप जाके उसको देख लीजिए। दूसरा कि अगर आपके बिल ज़्यादा है आपको क्या करना है, और तीसरा कि आपका अगर मीटर ख़राब है तो क्या करना चाहिए, मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, एक बार फिर भी मैं क्लियर करा देता हूँ। अगर बिल ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके मीटर पे पेनल्टी, ठीक है, यानी कि आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है, आप ज़्यादा लोड उठा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो हो सकता है कि आपके मीटर में ही प्रॉब्लम हो, जो लाइट बिलिंग वाले मैंने बताया उससे आपको पता लग जाए। दूसरा तरीका, आप और भी तरीके हैं चेक करने के मीटर ख़राब है या नहीं है, आप सारी लाइट कट करके कोई, आप सपोज दैट 1 किलोवाट का कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, सपोज जैसे कोई फ्रिज है, ज़्यादातर 250 वाट का होता है, तो 250 वाट आप उसको 4 घंटे यूज़ करेंगे तो 1 किलोवाट यूज़ करेंगे, यानी कि आप 4 घंटे लगातार उसको चला के रखिए, अगर वो 1 किलोवाट से ज़्यादा ले रहा है तो भी आपके जो मीटर है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सारी डाउट्स मैंने अब आपके क्लियर कर दिए होंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दूंगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, आपकी 1 सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।